हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैं जो है अपने रूम को क्लीन करने वाली हूँ और यही वीडियो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं ब्लैक साड़ी में हूँ और देखिए कैसा लग रहा है ब्लैक साड़ी। तो ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लैक साड़ी है सो कैसा लग रहा है, कि मैं आज पहली बार जो हूँ ये पहनी हूँ। तो मैंने ब्लैक ड्रेस कभी भी नहीं पहनी थी, तो आज पहली बार पहनी। ड्रेसिंग साफ करते करते जब मैं सामान इधर उधर कर रही थी, तो एक ऐसी चीज़ मैं देखी, जो देख के कुछ पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गया। तो जब छोटा बड़ा कोई सा सामान हम इधर उधर करते हैं, तो बहुत सारे सामान जो देखते हैं, लेकिन मैं तो वो रोज़ ही देखती हूँ, लेकिन आज जो है उस पे ध्यान दिया हूँ। तो वो एक सिंदूर का क्योरी है, और वो मेरे पहले मेरी बहन के पास था, अब मेरे पास है। तो कुछ ऐसी सामानें होती हैं जो हम जब ध्यान से उसको देखते हैं, वैसे हम जब कोई काम में उलझे रहते हैं तो बस कोई सा सामान हटाते रखते हैं तो उतना नहीं होता, जब गौर से हम कोई सामान देखते हैं तो उसकी यादें जो है ताज़ा हो जाती है, कोई सा जो उससे यादें जुड़ी होती है। तो मेरा भी जो यादें ताज़ा हो गया था वो सिंदूर की क्योरी देख के। और ये जो है ड्रेसिंग मेरा पुराना वाला है, मतलब पुराना हो चुका है और उतना ठोस भी नहीं है। तो मेरा मन था कि मैं एक अच्छा वाला लेती, लेकिन अभी मेरे पास यही है। तो यहाँ जो है बहुत सारे धूल इधर उधर से पड़ जाते हैं, वैसे भी साफ़ सफाई नहीं करते तो हो ही जाता है, और छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा सामान इस पे रखा हुआ है। तो इस पे जो है आँख में डालता है मेरा बेटा दवा, वो भी रखा हुआ है, तो आईने में देख के वो डालता है, तो यहीं पे रखा हुआ है। तो कोई चीज़ अच्छे से हम साफ़ कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अपनी जगह पे सारा सामान रख देते हैं तो, और इधर उधर हो ही जाता है सामान। तो अभी जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा भी है अच्छा लग रहा है। और ये जो है चारों तरफ से मैंने साफ़ कर दी हूँ, घर का फिनिशिंग नहीं हुआ है, लेकिन सामान तो मुझे रखना है, तो काम तो होता ही है सामान का। और पुराना वाला जो दालान है उसमें और भी गंदे हो जाएंगे, यहाँ तो हम रहते हैं तो कभी ना कभी साफ़ करते रहते हैं। देखिए सामान अच्छा से हमने रख दिए, और ये जो है इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल जम गया था। और कभी कभी बच्चे लोग ड्रेस भी रख देते हैं, बैग भी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोते हम नहीं हैं, सोते हैं हॉल में, और ये जो है यहाँ पर बिस्तर लगा के रखते हैं, कभी ऐसे ज़रूरत होता है तो इस पे सो जाते हैं बस, वैसे नहीं सोते। तो बिस्तर तो हर घर में रहना चाहिए, क्योंकि जब लोग ज़्यादा लोग होते हैं तो बिस्तर करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है और अच्छा रहता है। तो अच्छे से हमने जो झाड़ दिए हैं, और यहाँ जो है टेबल, इस पे भी बहुत सारा सामान है। घर फिनिशिंग नहीं है तो उतना हम ध्यान नहीं देते, घर पे वैसे रहते फिनिशिंग होता और रहते इस पे तो अच्छे से हम सजा के रखते, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो सामान है वो रखा हुआ है, तो उसको हम सामान को फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि हर सामान का काम होता है। तो यहाँ पर हमने जो है टेबल को अच्छे से झाड़ दिया है, और सामान सब जो है रखा है ठीक से ही रखा है, क्योंकि ज़रूरत का हर सामान ज़रूरत का ही है। तो इस पे जो है हम मोबाइल का चार्जर भी रख देते हैं, और एक डब्बा है, यहाँ जो है मिक्सी है और बैग है, परफ्यूम है, ये सब रखा हुआ है, तो हटा कर रख भी कहाँ सकते हैं, और टेबल है तो इस पे रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल हमने साफ़ कर दिया, और ये जो स्टील का जो है पौवा है, और ये सारा गंदा हो जाता है, इस पे भी धूल पड़ जाता है, इसको पोंछ देते हैं तो अच्छा से चमकने लगता है।
तो आज हमने जो है पूरे घर की सफाई, जैसे धूल पूरा जो है ये सब मैंने झाड़ दी है अच्छे से, तो घर जो है साफ लग रहा है। अब है सो झाड़ू दे देती हूँ, क्योंकि धूल जो है नीचे पूरा हो गया है। तो पहले खिड़की जो है उसको झाड़ देती हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत जो है धूल भी आ जाता है और मकड़ा जो है जाल भी लगा देता है। तो अभी तो उतना जाल नहीं है फिर भी, और नीचे जो है झाड़ू दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल भी हो गया। और यहाँ पर जो है फर्श बना हुआ नहीं है, मिट्टी है, और इसको कभी मैं लिपूंगी तो उसका भी जो है ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि नीचे जो है मिट्टी है, तो मिट्टी जो है नहीं लिपते हैं तो अच्छा नहीं लगता देखने में, उखड़ सा जाता है पूरा, और लीप देते हैं तो अच्छा होता है। और मिट्टी जो है मिट्टी से ही हम ज़्यादातर लीपते हैं, उसमें थोड़ा सा गोबर मिक्स करते हैं, नहीं तो सिर्फ मिट्टी से लीपते हैं तो चमकने लगता है। और मिट्टी मेरे पास है कि नहीं उसका भी मैं इंतजाम करूँगी, उसके बाद ही जो है लीपूंगी। तो हमने पूरे झाड़ू लगा दिया है और घर पूरा जो है क्लीन कर दिए हैं। तो कैसा लग रहा है घर आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में आप सबसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।